मामला गोवर्धन थाने के अंतर्गत दौलतपुर का है, जहां स्कूल जा रही दो बच्ची आपस में मिल गईं। बच्चों की आपसी विवाद को लेकर दोनों बच्चियों के परिजन आपस में झगड़ा करने लगे। झगड़े में ईंट पत्थर आदि इत्यादि डंडे फेंकने लगे, जिसको लेकर दोनों पक्षों के करीब 9 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इसकी सूचना थाना गोवर्धन पुलिस को मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार के लिए भेजा है। इसी दौरान दोनों पक्षों के 5 लोगों को जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया, वहीं 4 लोगों का उपचार के दौरान थाना भेज दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारी सचिन शर्मा ने मीडिया की टीम को बताया, फर्मिना, रश्मिना, मेहनी, शौकीना, शुकीन, चुटकली, अब्दुल करीम, शबनम, वेनिस, अब्दुल्ला इत्यादि लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें से 5 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद मथुरा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? दौलतपुर। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ है? मदरसा में पढ़ने के लिए गई, हमारी अंदर सी का नाम है बोटिया, उनके पुलाड़ में भी गई, फिर ये धमल लड़के बोटिया दोनों पीटिए, वो तो मिला उनके ही सर, उनके भाषवाल ने पीटिए, तब यहाँ बैठा मैं सर का हुआ यहाँ से, मैंने हाथ जोड़ था क्या कर लू, मेरा लट दिया ईट दिए। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? इसीलिए पढ़ने के लिए गई बच्चे। अच्छा, तो दूसरा पक्ष का नाम क्या है? उसका नाम भी, इसका नाम तो सबना है, उस लड़की का नाम है शौकीना। क्या नाम है तुम्हारा? शौकीना। कहाँ के रहने वाले हो? दौलतपुर। ये किस बात को लेके आज आपका झगड़ा हुआ है? बच्चों को लेके झगड़ा हुआ है। तो कौन कौन लोग घायल हुए हैं? हम बीच बचाव कर रहे थे, दूसरे पार्टी वाले पूरे परिवार आ गए। दूसरी पार्टी में कौन कौन लोग हैं? छोटल भी है, अब्दुल करीम है, वारिस है, वाप है, इनका पीछे बाद में पूरा परिवार आ गया, तो इन्होंने तुरंत हमला बोल दिया, हम भी बचाव कर रहे थे बच्चों का। आपके पक्ष से कितने लोग आए? हमारे पक्ष से खाली माँ थी और एक बहन थी और मैं था, बीवी थी, वो हमको ही पकड़ रहे थे, बीच बचाव कर रहे थे, इन बीच बचाव करने में ही ये मार गए। तो आपने इसकी कंप्लेंट थाने में दे दी है? हाँ, दे दी।